हेलो स्टूडेंट्स बेटा, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था राउल्ट्स लॉ के बारे में, और राउल्ट्स लॉ हमने वहां पे लिया था नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। नॉन वोलेटाइल का मतलब जिसकी वेपर्स नहीं बनती है, तो वहां पे हमने बताया था कि द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नोन फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, या इक्वल करेंगे तो पी ए इज इक्वल टू आ जाएगा पी ए नॉट इंटू एक्स ए, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि दो कंपोनेंट की अगर हम बात लेके चलते हैं तो पहले हम क्या लिखेंगे, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी, और क्योंकि बी क्या है नॉन वोलेटाइल है तो इसका प्रेशर जीरो आएगा, तो हम लिखेंगे पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस जीरो, या फिर हमने क्या लिख दिया पी ए लिख दिया यहाँ पे, पी ए की वैल्यू यहां से पुट करेंगे तो क्या आएगा पी टी इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस जीरो। इसको हम y इक्वल टू एम एक्स पी से कंपेयर एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करते हैं जो कि लीनियर कर्व की इक्वेशन है, तो c पे क्या जाता है जीरो, यानी इंटरसेप्ट नहीं बनेगा। इंटरसेप्ट ना बनने का मतलब कर्व कहाँ से आएगा, ओरिजिन पॉइंट से, और इसका जो स्लोप आ रहा है वो किसके बराबर आएगा पी ए नोट के। या फिर अब हम क्या करेंगे, इस एक्स ए की जगह हम वन माइनस एक्स की पुट करेंगे तो आ जाएगा, और पी ए नोट को उधर लेके आएंगे तो पी टी बाई पी ए नोट इज इक्वल टू आ जाएगा वन माइनस एक्स पी, ठीक है। या इसको लिख सकते हैं पी ए नोट माइनस पी टी बाई पी ए नोट इज इक्वल टू एक्स पी। पी ए नोट माइनस पी ए नोट क्या है, प्योर प्रेशर, पी टी क्या है सोल्यूशन का प्रेशर, तो प्योर माइनस सोल्यूशन, यानी ये आ गया डिक्रीज इन प्रेशर, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू आ जाएगा पी ए नोट इंटू एक्स पी। या फिर आप ये कह सकते हैं कि सोल्यूशन बनाने के बाद जो प्रेशर में कमी आ रही है वो कमी किस पे डिपेंड करेगी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करेगी, यानी सॉल्यूट जितना ज्यादा डालेंगे कमी उतनी आती जाएगी। आगे बेटा राउल्ट्स लॉ फॉर लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशन, दोनों लिक्विड हमने क्या लिए वोलेटाइल, लेट दो लिक्विड हमने लिया ए और एक बी, इनको मिलाएंगे, ए के अंदर हम बी मिलाएंगे, तो ए में जो बर्तन ए वाला है इसमें शुरू में जितना भी प्रेशर होगा वो किसका होगा, ए का होगा, जिसको हम पी ए नोट कहते हैं। दूसरे बर्तन में क्या है बी, पी बी नोट, जब मिक्स करेंगे ए में बी को मिलाएंगे तो ए के पार्टिकल जो है सरफेस से रिप्लेस होने शुरू हो जाएंगे, और सरफेस पे ए वाले पार्टिकल की जगह पे कुछ कुछ जगहों पे बी वाले पार्टिकल आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। यानी अब जो ये प्रिपरेशन होगा सरफेस से मिक्सर के सरफेस से वो ए का भी होगा और बी का भी होगा, और जो टोटल प्रेशर आएगा वो किसके बराबर आएगा पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। फिर राउल्ट्स लॉ वही यूज करेंगे हम, पी ए किसके बराबर होगा पी ए नोट एक्स ए, पी बी किसके बराबर होगा पी बी नोट इंटू एक्स बी। इस पी ए की जगह और पी बी की जगह आपने वैल्यू पुट कर दी, क्या आएगा पी टी इज इक्वल टू, यानी टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी ए नोट एक्स ए प्लस पी बी नोट एक्स ए। लेकिन क्योंकि ये बाइनरी सॉल्यूशन है, दो ही कॉम्पोनेंट है, तो दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम क्या आएगा वन, इसीलिए आप एक्स ए की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा वन माइनस एक्स बी। इसमें इस इक्वेशन में एक्स ए की वैल्यू हमने पुट कर दी, आ गया पी टी इज इक्वल टू पी ए नोट वन माइनस एक्स बी प्लस पी बी नोट इंटू एक्स बी। इस ब्रैकेट को ओपन कर लिया और सेम जिनमें एक्स बी एक्स बी को हमने एक साथ लिख लिया, आ गया पी टी इज इक्वल टू पी ए नोट प्लस एक्स बी कॉमन पी बी नोट माइनस पी ए नोट इंटू एक्स बी। ये भी एक इक्वेशन है कर्व की जो वहां पे बनाया गया है, ठीक है, पी टी इज इक्वल टू पी ए नोट प्लस पी बी नोट माइनस पी ए नोट इंटू एक्स बी। इस कर्व के लिए भी जब आप कंपेरिजन करेंगे तो स्लोप क्या आ जाएगा इसका पी बी नोट माइनस पी ए नोट, और इंटरसेप्ट क्या आएगा पी ए नोट, ठीक है। तो ये कर्व बेटा लिक्विड एंड लिक्विड के लिए राउल्ट्स लॉ है। अब राउल्ट्स लॉ का कंपेरिजन, इससे पहले हमने हेनरी लॉ पढ़ा था, तो हेनरी लॉ और राउल्ट्स लॉ में एक बार थोड़ा सा कंपेरिजन करके देखेंगे क्या क्या सिमिलरिटी है। देखो सबसे पहले तो हेनरी लॉ और राउल्ट्स लॉ दोनों ही वोलेटाइल लिक्विड प्रेशर के बारे में बताते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, दोनों ही केस में आपने क्या पढ़ा कि जो पार्शियल प्रेशर होता है वो किस पे डिपेंड करता है, मोल फ्रैक्शन पे, पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, दोनों में था, राउल्ट्स में भी था और हेनरी में भी, ठीक है। तो ये तो कुछ सिमिलरिटी, और ये एक तो सिमिलरिटी है, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस दोनों में एक है मेन। उस दिन भी मैंने बताया था कि हेनरी ने प्रपोज
प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में चेंज करने के लिए अपना खुद का कांस्टेंट यूज किया है जिसको हम नोट करते हैं केएच से। लेकिन राउल्ट्स में क्या करता है, राउल्ट्स लॉ में जो प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर है वही कांस्टेंट के रूप में यूज होता है, इसमें कोई बाहर का कांस्टेंट अलग से कांस्टेंट यूज नहीं होता बेटा। तो आज मैंने आपको ये पूरा राउल्ट्स लॉ क्लियर करवाया है। राउल्ट्स लॉ के न्यूमेरिकल आप जो है वो करेंगे, और जहां तक आपकी बुक में बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल से बेटा, लेकिन एक चीज जो आपको ध्यान रखना है कि पूरा पूरा राउल्ट्स लॉ जो है कि डिपेंड करता है, इसको रीड करने से पहले, इसको एक्सप्लेन करने से पहले ये बनाया जाता है कि फोर्स वेक्टर सेम होने चाहिए, एफ ए ए, एफ बी बी एंड एफ ए बी, ये दोनों, ये तीनों के तीनों फोर्स अगर आपस में इक्वल है तभी ये राउल्ट्स लॉ सॉल्यूशन पे काम करेगा और वो सॉल्यूशन आइडियल कहलाएगा। तो कल हम यही डिस्कस करेंगे कि आइडियल और